हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, इस समय मौजूद हैं हम मुंब्रा के एमएम अली, जो यहाँ पर हॉस्पिटल करीब 12 साल से बन रहा है, उसके ठीक पीछे ही जो है। अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह से ये डंपिंग का नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये डंपिंग ग्राउंड यानी कि बन गया है, और इस जो हॉस्पिटल है इससे लग कर जो है सुकून हाइट्स इमारत है, वहाँ के रहने वाले लोग इस डंपिंग ग्राउंड से काफ़ी परेशान हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से मुंब्रा शहर से जो कचड़े निकाले जाते हैं वो गाड़ियाँ ला कर यहाँ पर छोड़ जाती हैं, उसके बाद फिर बड़ी गाड़ियों से यहाँ से कचड़ा हटाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डंपिंग ग्राउंड अब बन चुका है। और आपको दिखा दें इसी तरह से कि जो दीवा का डंपिंग ग्राउंड है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ से जो धुआं निकलता था उससे तो मुंब्रा शहर के लोग काफी परेशान थे, खास तौर पर जो एमएम वली के रहने वाले लोग हैं, जैसे स्क्वायर है और सुकून हाइट्स है, यहाँ के लोग जो है धुएं से काफी परेशान थे। अब कहीं ना कहीं जो है अब उस दीवा के डंपिंग से तो लोग परेशान थे, लेकिन अब एमएम वली में ठीक अस्पताल के पास में ही एक नया डंपिंग ग्राउंड जो है कहीं ना कहीं ये बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो है सुकून हाइट्स के कुछ लोग मौजूद हैं जो इस डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि इससे भयानक बीमारी जो है फैल सकती है, क्योंकि वो अपने घरों की खिड़कियां नहीं खोल पा रहे हैं। यहाँ से जब कचरा गाड़ी से निकाल कर लेकर जाया जाता है उस वक्त काफ़ी बदबू जो है फैलती है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शेख इब्राहिम। किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को इस डंपिंग से? यहाँ से जब रात में हवा छुटती है तो बदबू आती है, और यहाँ आने जाए कचरा डालते आते तो भी बदबू आते रहती है, तो हम लोग खिड़की नहीं खोल पाते वहाँ से। बोलिए। ठीक, खिड़की नहीं खोल पाते, लेकिन किस बीमारी भी फैलने का डर है, और इसको लेकर क्या आप लोग मनपा के अधिकारियों से बातचीत की कि आखिर यहाँ पर क्यों इस तरह का डंपिंग जो है बनाया जा रहा है? पहले भी डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर था दीवा का, जिससे धुआं आप लोगों के यहाँ आता था, काफ़ी परेशान थे, अब कहीं ना कहीं आपके घर के नज़दीक में ही डंपिंग बन गया है। तो देखिए, ये जो सुकून हाइट्स में तकरीबन मैं आपको बता दूँ कि 400 फ्लैट्स हैं, 400 फैमिलीज रहती हैं, और ये डंपिंग ग्राउंड 200 मीटर भी नहीं है हमारी सोसाइटी से। अब ये 400 फैमिलीज़ में काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी बड़े हैं, बूढ़े लोग भी हैं, और यहाँ इतनी बास आती है, इतना ज़्यादा यहाँ से गंदगी हम लोगों की सोसाइटी की तरफ डाल चुके हैं ये लोग, प्रशासन। हम लोगों ने इसके पहले भी काफ़ी टाइम रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे कचरा ना डालें, यहाँ से बीमार होंगे लोग, बच्चे हैं बीमार हो जाएंगे, क्या पेंडेमिक के टाइम जो बीमार होंगे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। हमने काफ़ी टाइम जो इसके पहले भी कोशिशें की, लेकिन अब आपके माध्यम से हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं टीएमसी को कि ये जो कचरा इतना ज़्यादा डाला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो कम से कम ये 8 से 10 फीट है, हमारी हाइट से भी ऊपर है, इतना ज़्यादा कचरा डाला हुआ है। अगर इन कचरों की बास की वजह से कोई बीमारी अगर हमारी सोसाइटी में फैलती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा? क्या इसकी वजह से हमें कुछ हेल्प मिलेगी? नहीं मिलेगी। जो हम लोग यहाँ पे तकलीफ उठा रहे हैं अभी भी, और आगे जो इससे बीमारियाँ फैलेंगी उससे भी हमें ही तकलीफ होगी। तो हम लोग आपके माध्यम से ये टीएमसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पूरा कचरा यहाँ से हटाया जाए, ताकि यहाँ के रेसिडेंशियल्स को जितने भी लोग हैं सबको आसानी और आराम हो जाए। यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है, जो नेता है, जो जिम्मेदार है, उन लोगों से क्या आप लोगों ने इसको लेकर मुलाकात की, अपनी परेशानी बताई उनको? बागरा सबसे बात हुई थी हमारे मैनेजर की, उन्होंने ऐसा बोला था कि यहाँ से हम लोग डेली कचरा डालेंगे और डेली कचरा उठा लेंगे, सिर्फ ये 15 दिन और से अभी आप आके देख ही रहे हो कि कचरा कितना बड़ा हुआ, अभी तो शाम हो जाएगी, वो गाड़ी तो आएगी उठाने के लिए। अच्छा, उनका कहने का मतलब है आपका कि कचरा लाके डालेंगे और टेम्पररी फिर उठा लिया जाएगा फौरन, लेकिन ये तो अभी पूरा डंपिंग बन चुका है। हाँ, तो वही बोलने का मतलब वही आपका कि देखो, आप इतना जो कचरा दिख रहा है ये नहीं उठाने, ऐसा लग रहा है कि 10 गाड़ी रोज डाल रहे और हमको बताने के लिए 3-4 गाड़ी उठा रहे, ऐसा शायद लग रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जाएगा। और हम लोग जो यहाँ वाले जो व्यू है हमारा, खास हम लोग तो कुछ ज़्यादा तकलीफ में है,
ऐसी बदबू आती है, खिड़की भी मतलब बंद करके रहना पड़ता है, पूरे खिड़की रूम खोलो में तो जहरीली बोलते ना, एकदम बदबू बदबू की हवा आती है। तो मतलब ये तकलीफ हो रही है, और हमने जो कोशिश करी है तो कोशिश करने से कुछ हमारे को ऐसा फायदा नहीं दिख रहा है, इसलिए हम आपके जरिए एक कोशिश करना। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी अभी भाइयों ने भी बात की है कि अपनी सुकून हाइट है, यहाँ पर 400 फ्लैट्स है, और आप देख रहे कितना करीब है हम लोग, जैसे 200 मीटर भी नहीं है। लेकिन मसला क्या है यहाँ पर, जो 15 से 20 दिन पहले जो कब्रिस्तान की जो बाउंड्री आप देख रहे हो उसके जस्ट ऑपोजिट में हमारी सुकून हाइट पड़ती है, कॉर्नर पे, तो चारों तरफ से मिलती है। तो 10-15 दिन पहले इन लोगों ने कचरे का खेल जो है वहां पर शुरू किया था। अच्छा, पहले वहां पर? हाँ, 10 से 12 जो घंटा गाड़ी आती है उन्होंने वहां पर आके कचरा डंप शुरू करना गया। हालांकि देखोगे तो कब्रिस्तान के सामने जो रोड है वहां से लोगों की आवक जावक भी है, चांद नगर से लोग, हाँ चांद नगर जो शॉर्टकट है वहां पर से भी है। और जैसे ही पेंडेमिक का टाइम चालू है के जो अभी जो कोरोना फैला है, तो हम लोग तो बोलते हैं कि मास्क लगा के घूमिए, मास्क लगा के रहिए, नहीं तो हमें फाइन होगा। तो ये सब क्या है, ये सब जो हम रास्ते पे भी घर में भी अभी मास्क लगा के रहते हैं, इवनिंग टाइम होता है तो इतनी गंदी बास आती है कि छोटे छोटे बच्चे जो है हमारे घर में, वो बास के वजह से हम उनको कहीं बेडरूम में बिठाना पड़ता है, स्लाइडिंग्स बंद करनी पड़ती है। तो ये जो कचरा है जो हमारे सोसाइटी के जो हमारे चेयरमैन है जो कहने का, जिसे मुमरा का पौश इलाका माना जाता है और यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, और ये डंपिंग है, इसके वजह से काफी गंदगी फैल रही है, बदबू फैल रहा है, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, और जो हमारे सोसाइटी के जब वहाँ पर डंप हो रहा था, तो हमारे जो सोसाइटी के जो मेन मेंबर्स है वो नीचे उतरे और उन्होंने वो कचरा उनको रुकवाया कि यहाँ कचरा मत डालिए, ये रेसिडेंशियल है, और वहाँ पर देखोगे तो 100 मीटर्स का भी डिस्टेंस नहीं है। तो उस रोक लगने के बाद में 6-8 दिन हो गए ये यहाँ पर बन गया। जब यहाँ पर ये बन गया तो 4-5 दिन तो पहले ऐसे कचरा आता ही गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम सुनने में ऐसा आया कि ये पिकअप और डंपिंग है। तब अभी देख रहे हो कि शाम के 5 बज रहे हैं, अब डंप तो हो गया, अब देखिए कि पिकअप कितना हुआ है। अब ये पिकअप देखिए, ये जो कचरा है जब शाम में यहाँ से हवा चलेगी तो हर एक के घर में पहुँचेगी, और ये जो खुशबू हो या बदबू हो ये तो पता है, हाँ, ये सबके घर में पहुँचेगी और सबको परेशान करेगी। ये मुमरा के टॉप एरिया में हम लोग रहते हैं, सुकून हाइट्स जो नाम से जाना जाता है कि मुमरा का टॉप इलाका है, लेकिन जैसे मेरे फ्रेंड लोग है बता रहे कि डंप कर रहा है, तो मुमरा का टॉप एरिया कहाँ से हो गया? वी आर हैवी टैक्स पेयर्स टू TMC, तो हम लोग को ये सब जल्द से जल्द इससे हम लोग को जो रिलीफ मिले। और बाजू में आप देख रहे हैं कि नया हॉस्पिटल ओपन होने जा रहा है, और जब हम लोग खुद यहाँ पे जो है सेफ्टी नहीं है, तो मरीज लोग जो है पेशेंट लोग कैसे सेफ्टी रहेगा? एक बार डंप हो गया यहाँ पे तो वो बढ़ते ही जाएगा, जैसे आप देख रहे सामने जो है दीवा में देख रहे, वो यहाँ से हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनिशियल स्टेज पे हम लोग यही कोशिश करें कि जल्द से जल्द हम लोग इससे रिलीफ मिले हमको। अभी हमेशा तो आदमी लोग बाहर ही ज्यादा करके टाइम बाहर रहते हैं, हम लोग जो औरत लोग और बच्चे लोग घर पे रहते, बीमार लोग भी रहते, बुजुर्ग लोग भी रहते, उन लोग तो घर पे रहने खिड़की बंद करके भी कोई फायदा नहीं है। और कितना टाइम ये गर्मी के सीजन में खिड़की बंद करके रह सकते हैं? कोई ऐसा टाइमिंग रहता कि 1-2 महीने की बात है तो अलग बात है। अभी डेली बेसिस जो हो गई है, अभी ना किचन की हवा चेंज हो रहा है ना बेडरूम की चेंज हो रहा है। क्या मांग करेंगे आप शासन प्रशासन से, जिस तरह से डंपिंग जो है लगाया जा रहा है यहाँ पर, नीट एंड क्लीन कर दे ताकि इधर साफ सफाई होनी चाहिए, करने की जरूरत ना पड़े। ऑलरेडी मुमरा पे दीवा का असर पड़ रहा है, तुम देखना सुबह में एकदम धुआं धुआं हो जाता है, रात में भी धुआं धुआं हो जाता है, एकदम फॉगी फॉगी होता है। ऑलरेडी दीवा का असर इस पे हो रहा है, अब ये और बढ़ेगा, ये और नजदीक आ रहा है, यानी दो डंपिंग जो है मुमरा झेल में, अब ये भी यहाँ जलाना शुरू हो जाएगा, कल को आके इधर से और बढ़ेगा धुआं, देख लीजिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज लोग वॉकिंग करने भी आते हैं सुबह में, जाते हैं ये ऐसा एरिया। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो सुकून हाइट्स के लोग हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अभी तक जो दीवा का डंपिंग था उसको लोग झेल रहे थे, उसके धुएं से लोग परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से ये डंपिंग यहाँ पर अब धीरे धीरे ये बन रहा है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि जो मनपा के अधिकारी हैं उन लोगों ने इनको बताया था कि यहाँ पर कचरा डाला जाएगा लेकिन शाम तक हटा लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जितना कचरा डाला जाता है उसका आधा उठाया जाता है और उससे कई गुना ज़्यादा जो है यहाँ पर कचरा रह जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना यहाँ पर कचरा जमा हुआ है, और ये अब धीरे धीरे डंपिंग का शक लेते जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है इससे निकलने वाली जो बदबू है वो जो है धीरे धीरे फैल रही है, और बीमारी जो है फैलने का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।